हेलो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस में हैं या फिर आप इस ट्रेड में आपने अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इस ट्रेड में आप काम करना चाहते हैं, तो आपको अगर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अगर बजट नहीं है या फिर आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत है कि अगर आप इस काम को स्टार्ट ना कर पाए, तो आप चाहते हैं कि इस ट्रेड में हम लोग जॉब स्टार्ट करके आगे हम लोग इसमें ग्रो कर पाए। तो वैसे तो मैं काफी सारी वीडियोस आपके लिए डाल रखा हूँ कि आप कैसे अप्लाई करना है, जॉब के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है, और कुछ वैकेंसीज निकलती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अपने चैनल पे। तो वही चीज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे पास ना लोग कॉल्स कर देते हैं डायरेक्ट कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, या जैसे कोई भी लोकेशन मेरे को बताते हैं यहाँ पे जॉब अवेलेबल है क्या नहीं, और फिर उसके बाद रिमाइंडर 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 व्हाट्सएप पे कॉल्स पे या फिर रिज्यूम वगैरह कंटिन्यू मेरे पास भेजते रहते हैं। तो आपको पता है कि मैं ऑलरेडी मैं भी जॉब करता हूँ कहीं ना कहीं, तो मेरे को वहाँ दिक्कत आ जाती है कि मैं आपके फोन कॉल्स आपको अटेंड करूँ या फिर मैं अपना भी काम देखूँ। तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे किस तरीके से आप डायरेक्ट जिस जहाँ से मैं आपको वैकेंसीज की आपको जो डिटेल है वो देता हूँ, तो वो डिटेल मैं आपको डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ कि वहाँ उस वेबसाइट पे जाके आप वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कंपनी से आप बात कर सकते हैं। डायरेक्ट जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारी जो डिटेल्स होंगी कंपनी की ही होंगी, और जिस कंपनी में वैकेंसी है वही होगी, कोई बीच में कंसल्टेंसी नहीं है। क्योंकि जो फॉरवर्डिंग कंपनी है, शिपिंग लॉजिस्टिक्स कंपनी है या सीएचए कंपनी है, वो जो अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है उस वेबसाइट पर करते हैं वैकेंसी, अगर उनको जरूरत होती है, स्टाफ की जरूरत होती है उसके लिए। तो वो चीज मैं आपको इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली डेस्कटॉप पे जाके आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपको चेक करना है और कौन कौन सी लोकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। देखिए, आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को एक सब्सक्राइब करने से मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो आप ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उस पर आप क्लिक कर देना, आपका चैनल जो सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन है जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, आप चलते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो देखिए, जो वैकेंसीज है, एक वेबसाइट है, आपने नाम भी सुना होगा, एग्जिम अपॉइंटमेंट करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप न्यूज जो शिपिंग लॉजिस्टिक्स की जो न्यूज है वहां पे उसकी न्यूज भी आती है, और आप उसका अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट से आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके इससे आपके पास एक न्यूज लेटर आएगा, उसमें सारी डिटेल होती है जो कोई भी उसके अंदर एक्टिविटी होती है पोर्ट पे या फिर किसी भी पोर्ट पे, मतलब लॉजिस्टिक से जुड़ी सारी आपको डिटेल आपको वहां पे उसमें मिल जाएगी। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर लेते हैं इसी तरीके से उसका न्यूज लेटर होता है, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑफलाइन भी शायद मिल जाता है, क्योंकि अभी शायद उन्होंने ऑनलाइन चालू कर दिया, तो ऑनलाइन आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उनका। तो चलिए, उनकी डेस्कटॉप पे मैं आपको जाके बताता हूँ क्या वेबसाइट है, कहाँ पे आपको चेक करना है। आपको डायरेक्ट मेरे को कॉल ना करके आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे आप चेक करके और डेली अपडेट ले सकते हैं, 1 से 2 दिन बाद वो लोग अपडेट वहां पे करते रहते हैं। जोन सा लोकेशन आपको चूज करना है वो आपको वहां पे देख लेना। तो चलिए, हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहां चल के आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो वैकेंसी है वो आपको चेक करनी है। तो डेस्कटॉप पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा कॉमेडी वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहां जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारी बुक्स अभी परचेज नहीं की है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग का इस ट्रेड में आने के लिए, तो उसमें बेसिक चीजें हैं काफी, आपको हेल्प करेंगे आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपको करने के लिए या सेल्स में आपको ग्रोथ करने के लिए, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे आप नंबर देख रहे होंगे मेरे को, आप कॉल करके आप डायरेक्ट जो बुक्स है आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग अब डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहां मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इस फील्ड में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पे हम लोग को गूगल में जाना है। यहाँ पे आपको ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है एग्जिम अपॉइंटमेंट, आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वाली वेबसाइट जो पहला आएगा मुंबई अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, ये इसका वेबसाइट है, इस तरीके की वेबसाइट है, और यहाँ पे आप अबाउट्स वगैरह यहाँ पे इनको देख सकते हैं, और डेली एग्जिम के लिए जो जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ के लिए आपको लेना है या बॉम्बे, आपको जो भी लोकेशन आपको देखनी है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको ये आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, अभी हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स की। तो आप ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं अपॉइंटमेंट्स का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ ये जो लोकेशन है इन सब लोकेशन के लिए आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे चेक करना है,
आपको जैसे यहाँ पे अभी हम मुंबई पे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है बॉम्बे पे, तो देखिए आप ये जो बॉम्बे का है, यहाँ पे आप इस वाली वेबसाइट पे, यहाँ पे जैसे देखिए 28 तारीख का यहाँ पे अपडेशन है, ठीक है, इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव्स के लिए फॉर इम्पोर्ट क्लियरेंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन बी कॉम, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 ईयर इन कस्टम ब्रोकर इंडस्ट्री, जॉब प्रोफाइल वैसिलिटी ट्रैकिंग चेकलिस्ट प्रिपरेशन लॉजिस्टिक की संचित कोऑर्डिनेशन विद शिपिंग लाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डब्ल्यू ओ सी ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये इनका जो प्रोफाइल है वो ये सब होना चाहिए, तब जाके आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी सबकी आपको यहाँ पे जैसे इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में ईमेल देयर रिज्यूम एट, तो यहाँ पे आप जाके इनको अपना जो रिज्यूम है सेंड कर सकते हैं। कई लोगों के यहाँ पे एड्रेस भी होते हैं, कई के आप फ़ोन नंबर्स भी होते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बफर शिपिंग जैसे है एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आप इसको जो दो पोस्ट हैं यहाँ पे भी खाली हुई हैं, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से जैसे आप देख रख सकते हैं, यहाँ पे 26 तारीख का है, तो ये आप देख लेना है, ज़्यादा पुराना ना देखें, अगर नया हो तो वही आप देखें, डेट आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ चेन्नई में है 28 तारीख का, मतलब यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है वो आपको प्रॉपरली मिल जाएगी, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो आपको डेली अपडेट इसका देखना है, तभी जाके आपको जो इस लोकेशन में आप हैं उस लोकेशन के लिए आप जो जॉब है अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो इनकी कंपनी डिटेल है, ईमेल आईडी है इनका, पहले आप चेक कर लीजिएगा कि कंपनी ठीक है या नहीं। वैसे तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल करेक्ट कंपनी होती है, कोई यहाँ फ्रॉड का ज़्यादा होता नहीं है, ऐसा फ्रॉड तो यहाँ पे शायद ही मुश्किल हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देती है यहाँ पे कंपनी। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे गुजरात का है, ये कोलकाता का है, इसी तरीके से दिल्ली का भी है, तो यहाँ पे आप ये टेली कॉलर 3 पोस्ट फ्रेशर, और यहाँ पे कोचिन का है, कोचिन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और ट्यूटोरियल के लिए भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये फ़ोन नंबर देखो आप, यहाँ पे फ़ोन नंबर्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे इनको मेल कर सकते हैं इस वाली ईमेल आईडी पे। जो इनकी क्वालिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इनको अप्लाई कीजिएगा, तो शायद आपका इसमें कन्फर्म हो जाए किसी भी कंपनी में, अगर आप जहाँ चाह रहे हैं। सैलरी 30 से 40 हज़ार पर मंथ, अगर आपको प्राइसिंग वगैरह अगर आता है, देखिए यहाँ पे सैलरी भी बताई हुई है, डायरेक्ट कंपनी है, यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंसी फीस नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बेझिझक। आपको कोई भी कहीं कोई भी पैसा आपको जॉब के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बेटर तरीके से आपको समझ आया होगा, और मैंने भी काफी अच्छी कोशिश की आपको समझाने के लिए। और कमेंट में आप मेरे को बता देना क्या समझ आया क्या नहीं आया, कमेंट आप करते तो उससे क्या है मेरे को एक कंटेंट मिल जाता है कि आप कौन से कंटेंट पे हम लोग वीडियोस बनानी है, क्या सब्सक्राइबर हमारे चाह रहे हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।